विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहन प्रकाश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संगठन के आगे के कामों, चुनावी रणनीति, तैयारियों को लेकर जानकारी दी। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को अपनी पार्टी का नाम बदलकर ईडी पार्टी रख लेना चाहिए। बंगाल में जितने दौरे भाजपा ने नहीं किए उससे अधिक ईडी ने कर लिए। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को नामांकन भरना था, उसी तारीख को दिल्ली का समन भेजा गया। हर चीज में लूट चल रही और सरकार के संरक्षण में चल रही। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, आम ग्रामीण परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन कहीं उन सब चीजों की सुनवाई हो रही? अमित शाह दो दिन आए, कोई दिन न छोड़े, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राजस्थान का किसान देखता है तो उसको लगता है कि यही आदमी हमारे 700 लोगों का शहीदी का जिम्मेदार है।